सरोकार। त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में अंतिम और आखिरी चरण, सातवें चरण का मतदान जारी है। लगातार लोग मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव हो रहे हैं। इसी बीच कई बड़े दिग्गजों का भी बयान सामने आया है और ओम प्रकाश राजभर और धनंजय सिंह का बयान सामने आया। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है चुनाव को लेकर। हमको शिकायत मिली, साइकिल की बटन दबा दिया उसने किस बूथ पर, ठीक है, यादव नाम से टाइटल था कुछ, उसने जाके दबा दिया उसको, जो है सिरसी में 56 नंबर बूथ जो बताएं अभी कितना सही है, लेकिन उसको लोग बैठा दिए बाहर। वही मैं जोनल मजिस्ट्रेट से शिकायत करा था, ऐसे कोई भी अधिकारी हो किसी को, उनको पहली चीज अधिकार नहीं जाके वोट दें। इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कट कहा था, अगर कोई बुजुर्ग है उसे घर से अपने 18 साल के बेस्ट को ले जाके वोट डलवा सकता है, तो अगर उन्होंने गलती की उसके खिलाफ FIR करा के कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा ये माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना, ये जातिवार जनगणना कराने के लिए कि सरकार बनते ही 6 महीने में करा देंगे। दूसरा, गरीबों का इलाज हम कोई भी जाति धर्म का होगा हम फ्री में इलाज करेंगे, ऑपरेशन फ्री में करेंगे। तीसरा, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा हम देंगे। और प्रदेश में बिजली सरकार बनते ही शपथ जिस दिन अखिलेश जी लेंगे उसी दिन से लगातार 5 साल घरेलू बिजली का बिल माफ कर देंगे। प्रदेश में इस बात को जब कहिए बिजली के बिल माफी पर, तो हर आदमी एग्री है कि नहीं, ये चीज़ होना चाहिए। जो योगी मोदी जी के आवारा पशु, या हम अपनी भाषा में, पूर्विया भाषा में उसको ललका सांड कहते हैं, तो ये ललका सांड से निजात दिलाने के लिए पूरे प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी को वोट दे रही है, उनके गठबंधन को वोट दे रही है। और जहाँ तक गाजीपुर जहूराबाद का सवाल है, तो यहाँ जितना भाजपा और बसपा मिल के वोट पाएंगे उतना वोट से हम चुनाव जीतेंगे। सातवें चरण के लिए कई दिग्गज लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे और अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नीलकंठ तिवारी जो भाजपा से हैं वो भी मतदान करने पहुंचे, उन्होंने अपना मतदान किया। अजय राय जो कांग्रेस पार्टी से हैं वो भी मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, रविंद्र जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। भीमराज राजभर भी जो बसपा पार्टी के हैं वो भी मतदान केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहले भी कई बड़े मंत्री और नेता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं और लोग जनता से अपील भी कर रहे हैं कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नीलकंठ तिवारी जो भाजपा से हैं वो मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आइए आपको सुनाते हैं कि नीलकंठ तिवारी ने क्या कुछ कहा है मतदान करने के बाद। सब लोग मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, 100% मतदान करें, प्रत्येक व्यक्ति मतदान के लिए निकले। ये मेरा सभी उत्तर प्रदेश वासियों से, काशी वासियों से, दक्षिणी विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं से आग्रह है। मैं उसी क्रम में निकला भी हूँ और अभी अपने मतदान केंद्र से मतदान करने के बाद इसमें जयपुरा में मैं हूँ। जयपुरा के लोगों से यही अपील भी कर रहा हूँ और लगातार मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ। पूरा प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्य किया गया है उस कार्य को लेकर के सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और आज भारी मात्रा में, भारी संख्या में मतदान के लिए घरों से निकल गए चुके हैं। अभी तक मैं 8-10 मतदान केंद्रों पर हो लिया, सभी मतदान केंद्रों पर जहां भी मैं जा रहा हूं लाइन लगी हुई है, अच्छी वोटिंग हो रही है और यह अपने आप में संकेत है कि सभी जनता, आम जनता आदरणीय जोगी जी के प्रति, उनके कार्यों के प्रति, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन प्रेरणा के से जो योगी जी ने कार्य किया है उसके प्रति बहुत सकारात्मक। आदरणीय योगी जी ने अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर आकर के बात कही थी कि 325 से हम ज्यादा पाएंगे। मेरा जो अनुभव है कि पिछली बार से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में
पा रही है, क्योंकि मैं दक्षिणी विधानसभा को भी देख रहा हूँ, अन्य विधानसभाओं को भी देख रहा हूँ, अद्भुत उत्साह है और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करके मार्जिन की लड़ाई चल रही है कि कितना ज्यादा मार्जिन कौन विधानसभा देगी। हमारे दक्षिणी विधानसभा के सम्मानित मतदाता, सम्मानित हमारे कार्यकर्ता सब इस भाव को लेकर के चल रहे हैं कि जो पिछली बार की मार्जिन थी उसको तिगुना करना है। यह भाव हर विधानसभा में पूरे प्रदेश में देखने को मिली, क्योंकि आदरणीय योगी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने अद्भुत कार्य, जो स्थिति बनी है अभी इतना स्लो वोटिंग हो रही है, काफ़ी समय लग रहा है और मुझे लगता है कि ये धूप में लोग खड़े हैं, इसको तत्काल इसकी व्यवस्था करानी चाहिए। अंदर एक जो उसमें कर्मचारी लगे हैं उनको शायद दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और तत्काल इसको ठीक कराना चाहिए, नहीं तो वोटिंग बहुत कम हो रही है। वो मैं समझता हूँ कि पूरी व्यवस्था ठीक नहीं है, जो जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था ठीक नहीं है। और देख रहे हैं उत्साह के हिसाब से, आप देखिए पहले हम लोग आते थे तो पूरी लाइन लगी रहती थी बाहर तक, कहाँ उत्साह है, लोगों में उत्साह भी नहीं, इस नाते कि आपने व्यवस्था की नहीं। यहाँ छाया होना चाहिए था, कम से कम बाहर एक छाया होना चाहिए था, ऊपर एक पर्दा लगना चाहिए था। धूप में महिलाएं खड़ी हैं, बुजुर्ग लोग खड़े हैं, सब दिक्कतें आ रही। अब कौन सा मॉडल बूथ है आप देख लीजिए, हम लोग तो यहीं देते चले आ रहे हैं, देखिए स्थिति क्या है, अंदर जीर्ण शीर्ण स्थिति है, खड़े होने के मतलब ऊपर कम से कम छाया तक नहीं इतने बड़े कड़े धूप में। मैं समझता हूँ कि ये पूरी व्यवस्था ठीक नहीं चल। निश्चित तौर से कांग्रेस गिरीश जी मजबूती के साथ लड़ रही है और कई सीट ऐसी है बनारस में जो हम जीत के देने जा रहे हैं। मतदान किया हूँ और सभी लोगों से अपील करूँगा कि मतदान करें। मैं ये जानता हूँ कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और जिसकी भी लड़ाई है बहुजन समाज पार्टी के हाथी निशान से है और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे मंजिल फतेह करने की ओर जा रहे हैं। नौ जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से लगातार आप तक हर एक अपडेट पहुंचा रहे। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने सोनभद्र से मतदान केंद्रों का जायजा लिया है, आइए आपको सुनवाते हैं। दिक्कत आ रही है यहाँ का, BLO बैठ करके मतलब डीसी कर रहा है, लोग किसी को पर्ची नहीं देती है और जितना भी पर्ची है लोग किसी के घर में नहीं पहुँचाया, कॉन्ट्रेक्टर कॉलोनी के लोग वंचित रह गए। यहाँ पे पर्ची में क्या समस्या आ रही है? वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, जो पहले 40-45 साल से लोग रह रहे सबका नाम कटा हुआ, कोई नहीं नाम जोड़ा उन लोगों को और जो चला गया उन लोगों का नाम जस के तस पड़ा हुआ है। यहाँ का BLO बैठ करके कोई काम नहीं किया है और अभी लेने के लिए लोग आ रहा है तो भी देने मन कना रही है लोग। सीताराम घर को नहीं जाना, विधानसभा के बीजपुर में केंद्रीय विद्यालय पे जो बूथ है वहाँ पे कहीं न कहीं लोगों के प्रति लोग हैं, जो पर्ची है BLO दे रहे हैं उनके नाराजगी देखी जा रही है कि कहीं कहीं से इनको पर्ची नहीं मिला है जिससे वोट से वो वंचित हुआ आ रहा है। यह केंद्रीय विद्यालय का मामला, काफी लोग हैं, काफी पर्ची के लेकर के काफी लोग परेशान नजर आ रहे हैं, कहीं न कहीं इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं लोगों में काफी जनाक्रोश देखा जा रहा है। हाँ हाँ उसके बाद क्या जनता का क्या कुछ मत है, उनकी क्या कुछ दिक्कतें, सोनभद्र की जनता का क्या कुछ कहना है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चंदौली, मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र, आजमगढ़, भदोही में लगातार लोग मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सातवें चरण के लिए 9 जिलों में 54 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, 613 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोगों में काफी उत्साह है, लोग उत्साह के साथ अपने अपने मुद्दे को दिमाग में रख के मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर मऊ से सामने आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर मऊ से आ रही है, मऊ में सातवें चरण में मतदान जारी, पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया, पिता की जगह मतदान स्थल पर काम कर रहा था युवक, सहयोगी के तौर पर काम कर रहा था युवक। सदर विधानसभा के थाना कोतवाली के संस्कृत पाठशाला का यह मामला सामने आया है। मऊ में सातवें चरण में मतदान जारी, पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है।
बताया कि जगह मतदान स्थल पर काम कर रहा था युवक, सहयोगी के तौर पर युवक काम कर रहा था, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। बड़ी खबर, मिर्जापुर में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार, सड़क की समस्या दूर न होने पर किया बहिष्कार। सीओ के समझाने पर भी नहीं माने ग्रामीण। मझवा क्षेत्र के दाती बंधवा गांव का मामला आया सामने। मिर्जापुर में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार, सड़क की समस्या दूर न होने पर किया बहिष्कार। सीओ के समझाने पर भी नहीं माने ग्रामीण। आजमगढ़ में मतदान को लेकर जनता अलर्ट, बुजुर्ग दिव्यांग पत्नी को लेकर पहुंचा मतदान स्थल, ठेला खींचकर बुजुर्ग ने पत्नी को मतदान स्थल पहुंचाया। आजमगढ़ में मतदान को लेकर जनता अलर्ट, बुजुर्ग दिव्यांग पत्नी को लेकर पहुंचा मतदान स्थल, ठेला खींचकर बुजुर्ग ने पत्नी को मतदान स्थल पहुंचाया। आजमगढ़ में मतदान को लेकर जनता अलर्ट, आप तस्वीरों में देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह से बुजुर्ग अपनी दिव्यांग पत्नी को ठेले पर बिठाकर मतदान केंद्र तक ले गया, ठेला खींचकर बुजुर्ग ने पत्नी को मतदान स्थल पहुंचाया। आजमगढ़ में मतदाता अलर्ट है। हमीरपुर में रिश्ते हुए शर्मसार, कलयुगी बेटे ने मां बाप को उतारा मौत के घाट, धारदार हथियार से मां बाप को उतारा मौत के घाट, डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी। वारदात को अंजाम देने के बाद बेटा हुआ फरार। विवार थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव का यह मामला सामने आया है। हमीरपुर में रिश्ते को शर्मसार करने वाला यह मामला सामने आया है। कलयुगी बेटे ने मां बाप को उतारा मौत के घाट, धारदार हथियार से मां बाप को उतारा मौत के घाट। देवरिया में मन चले के हौसले हुए बुलंद, दिन दहाड़े सड़क पर युवक की पिटाई, मनचलों ने युवक को जमकर पीटा, युवक का मोबाइल लेकर हुए फरार। सिविल लाइन रोड का पूरा मामला सामने आया है। देवरिया में मनचलों के हौसले हुए बुलंद, चुनाव की हर एक ताजा अपडेट लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हर एक पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस